Assalamualaikum. Welcome to another vlog. So let's live today's moments. So, आज बहुत ही विंडी डे एंड राइट नाउ अभी तो मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, तो कुछ देर बाद जाएंगे जिम पर। तो इस तरह हुआ कि पीर के दिन मैं गया था बिरमोलस्ट, वो तो नाग आप लोगों ने देख लिया होगा। उसके बाद मंगल और बुध के दिन काफ़ी मैं बिजी रहा। सो आज थर्सडे जुमेरात का दिन है, इट्स 8th February। तो इन दो दिनों में मैं जिम तो गया था लेकिन वीडियोस अपलोड नहीं हो सके क्योंकि मुझे थोड़े बहुत यहाँ वहाँ इस तरह के काम थे कि जाना पड़ा। तो इन दोनों दिनों में मैं जिम गया और ट्यूसडे को मैंने चेस्ट के वर्कआउट लगाया। वापस आया, बाजार से जा रहा था तो बाजार में एक बंदे से मैं मिला, वो कुछ बेच रहा था। ये मंतू कहते हैं उसे, यहाँ पर वो मिलता है, आटे से वो बनाते हैं लेकिन इसको जो पकाने का वो तरीका है ना, वो इस तरह के बर्तन में पानी डालते हैं और उसके ऊपर वो जाली छन्नी टाइप कुछ रखते हैं पानी के ऊपर, और ये जो मंतू होता है ना इसको आटे से बनाते हैं, इसके अंदर वो गोश्त वोश्त डालकर इसको उसके ऊपर रख देते हैं, उस जाली के ऊपर या वो छन्नी के ऊपर रखते हैं, और नीचे पानी होता है। तो जैसे ही वो हीट अप होता है, ठीक है, कुकर के अंदर, तो जैसे ही वो वाटर हीट अप होता है ना, वो वेपर्स गर्म होते होते वो ऊपर जाते हैं ना, उन्हीं वेपर्स के हीट से वो बेक हो रहा होता है, बन रहा होता है। तो बहुत ही हेल्दी चीज़ है। वो मैंने खाया, फिर मैं वहाँ से गया शहराज के घर और वहाँ से फिर बाइक लेकर के घर। और चेस्ट वर्कआउट में मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक चीज़ होती है, जब आप अगर जिम करते होंगे बहुत टाइम से आपको भी पता होगा क्या होता। तो मैं 15 पे वेट पे चेस्ट लगाता था, इस बार मैंने इस तरह किया कि 20 केजी पे मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज लगाए। तो नॉर्मल है, कोई इतना मुझे मसला नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले भी लगाता रहा हूँ। जब मैं लास्ट टाइम मैंने जिम उसके बाद नहीं किया, मैंने किसी और जगह में चला गया, तो लास्ट टाइम जब मैं कर रहा था तब भी मैं 20 पर ही लगाता था, तो इस बार मैं अपने ओरिजिनल वेट पे आ गया। तो बहुत ही मुझे मज़ा आया, बहुत ही मुझे फील हुआ उस दिन क्योंकि मैं यूजुअली 20 पर ही लगाता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा पंप आया, बहुत ही मज़ा आया मुझे। लेकिन शुरू के दिनों में मैं 15 पे लगाता था, 15 केजीज़ पर, वो इसलिए कि शुरू में ना छोटे से वेट पे लगाना पड़ता है आपको, ताकि कोई ज़्यादा मसल टिश्यूज ब्रेक ना हो, आपको कोई मसल इंजरी ना हो इस वजह से। सो बहुत ही मुझे मज़ा आया, मैंने लगाया ट्राइसेप और चेस्ट के एक्सरसाइज लगाए। उसके बाद कल ट्यूसडे को मैं गया था, मैंने बैक एंड बाइसेप का एक्सरसाइज लगाया। तो बैक एंड बाइसेप का भी इस तरह है कि जो पुराने वेट पे मैं लगाता था वही पे मैंने लगाना स्टार्ट किया, लेकिन जो मशीन पे मैं लगाता था वो मशीन था नहीं, इसलिए इस तरह करना पड़ा कि कहीं और मैंने शिफ्ट किया एक्सरसाइज। आप लगे मशीन पे कुछ और लोग लगा रहे थे उस दिन, तो मैंने कहीं और वो लगा लिया अपना। तो वेरिएशंस बहुत हैं एक्सरसाइज लगाने की, अगर आप एक्सरसाइज लगा सकते हैं, बस आपको ये अगर किसी दिन आपको समझ आ गया ना कि एक्सरसाइज जब भी आप लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइसेप की आप लगा रहे हैं, तो उसके जो खास मसल होते हैं ना, उस मसल को किसी भी तरीके से आपको स्ट्रेच करना है, चाहे आप मशीन पे कर रहे हो या डंबल से, वो टेक्निक आपको एक बार आ जाए तो बिल्कुल। बैक का भी ऐसे ही है, ज़रूरी नहीं कि मशीन पे ही वो होगा, मशीन में अगर कोई लोग बैक का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो होगा ही नहीं, उस मसल को आपने किसी भी तरीके से इन्वॉल्व करना है। तो जिम में एक ही मशीन पे आप हज़ारों टाइप के एक्सरसाइज लगा सकते हैं, तो अगर आपको टेक्निक आती है तो ज़रूरी नहीं है कि वही डंबल वही पोजीशन मतलब के हो, और अगर वहाँ पर जगह नहीं है तो कहीं और जाके कर नहीं सकते, मशीन पे भी कर सकते हो, डंबल से भी कर सकते हो।
लेकिन आपको जहन में यह रखना है कि उस खास पॉइंट को जिस भी तरीके से हिट कर सकते हो बस वो आपको समझ आनी चाहिए। सो उस दिन मैंने बैक एंड बाइसेप एक्सरसाइज लगाया, काफ़ी अच्छा खासा पंप आया उसके बाद भी। और जिस दिन मैं बैक और बाइसेप लगा रहा था मोला पिक कर, कल ही मैंने लगाया और फिर उसके बाद बाजार में थोड़ा बहुत काम था, वो करने के बाद मैं गया शेराज की घर और शाम को लौटा वहाँ से मैं। सो अमेजिंग डे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला कि व्लॉग में अपलोड करूँ। अच्छा, सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बेसिकली होता क्या है, जब भी आप जिम लगाते हो तो अगर आप 5 kg पे एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप बाइसेप एक्सरसाइज कर रहे हो 5 kg को लेकर के, ठीक है, और आप लगा रहे हो 15 रेपिटेशन पर डे। तो अगर आप 15 रेपिटेशन लगा रहे हो पहले सेट में, आपने 15 रेपिटेशन लगाई 5 kg डंबल की, बट आपने वो इजिली कर लिया, कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आया, तो इसका ये मतलब है कि वो वेट अब हो गया है, आप में स्ट्रेंथ बढ़ गई है, आपने अभी ज़्यादा वेट उठाना है। तो आपने 5 की जगह 6 या 7 kg की वेट उठाई और आपने रिपीटेशन लगाना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ यूं कि आपने 15 रिपीटेशन लगाने थे, लेकिन उस 7 या 8 kg जो नया वेट आपने लिया है 6 या 7 kg, उसको जब आप उठा रहे थे तो इस तरह हुआ कि 5 से 6 या 7 रिपीटेशन लगाने के बाद आपने गिव अप कर दिया कि मतलब और नहीं उठा सकते उसको। उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस 7 kg को रखोगे और वो जो पुराना आपका वेट था 5 kg, उससे अपने रिपीटेशन पूरे करोगे, मतलब कि आपने अपने नए वेट से 7 या 6 रिपीटेशन लगाए, बाकी के 6 या 7 रिपीटेशन आपने लगाए अपने पुराने वेट से। तो इस तरह होते होते एक हफ्ता गुजरता है, दूसरे हफ्ते में आपने अपने नए वेट से क्या किया, 7 की बजाय 10 रिपीटेशन लगाई और पुराने वेट से 5 रिपीटेशन लगाई, और उसके बाद आने वाले हफ्ते में इस तरह करके आपने अपने पुराने वेट के साथ नए वेट को चेंज कर दिया। अब आप 5 पे नहीं लगाते, अभी आप 7 kg पे लगाते, तो इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और ये क्यों काम आता है, इसका रियल पर्पस क्या है, द रियल पर्पस इज ऑफ प्रोग्रेसिव लोड इज टू इंक्रीज योर मसल साइज, ठीक है। अपने बॉडी को जब आप बड़ा करना चाहते हैं ना, या अपने मसल साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज वेरी एसेंशियल। इसी से ही आपकी बॉडी बड़ी होती है, इसीलिए ज्यादातर लोग जिम जाते हैं कि वहां पर आपको वेट ज्यादा मिलते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर करके आप अपने बॉडी के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं तो एक ही वेट के साथ वो एक्सरसाइज करोगे ना तो रिपीटेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे इंसान थकता भी है। तो ज़्यादा वेट आप उठाते हैं और रिपीटेशन को थोड़ा थोड़ा करके आप लेवल करें, इसका यही तरीका है, इसी तरीके से लगाएं, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज़ वेरी एसेंशियल इफ़ यू वांट ग्रो मसल। लेकिन ख्याल करें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते बाद कि बहुत ही ज़्यादा वेट नहीं उठाना। अगर आप 5 kg उठाते हैं तो आप सीधे जाके 10 kg मत उठाएं प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे, वो आपके टिश्यूज को, मसल टिश्यूज को खराब कर देगा, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है। तो फेलियर तक पहुंचना जरूरी है, और अपने टेम्पो को और अपने पोस्चर को सही करके वो एक्सरसाइज लगाएं। अगर आप, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो 10-10 kg लगाते हैं, दूसरे तीसरे हफ्ते में ही 10 kg उठा करके लगाते हैं, लेकिन ना पोस्चर ठीक है ना टेम्पो ठीक है और उनकी बॉडी बनती भी नहीं है, तो 3 महीने तक ऐसे ही फिरते रहते हैं। और जैसे ही आप उनको सिखाते हैं ना कि भाई इस तरह करके लगाना है, वो उस वेट को एक बार भी नहीं लगा सकते सही पोस्चर एंड टेम्पो को लेकर के। तो ये यूजलेस है, यूजलेस। ईगो को कभी भी बीच में आने मत दें, और जितना वेट आप सही से हैंडल कर सकते हैं उसको सही से हैंडल करें, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा होगा जिम में और कुछ नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वर्क। आई होप कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में। दिस इज द एंड ऑफ दिस व्लॉग एंड टिल द नेक्स्ट व्लॉग मेक श्योर टू लीव योर लाइफ मोमेंट्स एंड टेक केयर।